अर्जिता और इंडिया पब्लिक खबर में अब वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम नजर डालते हैं देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस ने सैटनिक वर्सेस के लेखक सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले संदिग्ध की पहचान फेयरव्यू न्यू जर्सी के 24 वर्षीय हादी मतर के रूप में की है, जबकि इस हमले के पीछे के मकसद का अभी तक पता नहीं चल सका है। बता दें कि लेखक सलमान रुश्दी को उस वक्त बेरहमी से चाकू मार दिया गया था जब वो न्यूयॉर्क के चौटा उकवा काउंटी में एक कार्यक्रम में व्याख्यान देने वाले थे। गौरतलब है कि सलमान रुश्दी को अपनी किताब दी सैटनिक वर्सेस के लिए जान से मारने की धमकी का भी सामना करना पड़ा था। उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया गया था। Mr. Rushdie, we are in the process of obtaining search warrants for various items. There was a backpack located at the scene. There was also electronic devices. So we're working with the DA's office to obtain search warrants and further the investigation. At this point, we're assuming he was alone, but we can't, you know, we're looking to make sure that that was the case. His name, his first name is Hadi, H-A-D-I, last name is Matar, M-A-T-A-R, he's age 24. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेलों के दल की मेजबानी की। प्रधानमंत्री ने एथलीटों का स्वागत किया और बातचीत की और उनकी उपलब्धियों पर उन्हें बधाई भी दी। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी मौजूद थे। बताते चले कि बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में कई भारतीय एथलीटों ने कई पदक जीते और भारत को गौरवान्वित किया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 15,815 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 68 मौतें हुई हैं और 20,018 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। देश में अब कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,19,264 पर पहुंच गई है। वहीं कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कई नेताओं और हस्तियों ने अपने घर तिरंगा फहराया और देश प्रेम का संदेश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह ने दिल्ली आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया। वहीं दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया। साथ ही उन्होंने देश के सभी नागरिकों को इस अभियान को कामयाब बनाने की अपील की। साउथ अभिनेता मोहनलाल ने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर तिरंगा फहराया, साथ ही देश प्रेम और आने वाले सालों में देश का परचम यूं ही लहराता रहे ऐसी कामना की। कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और विधायक प्रियांक खड़गे ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए महिलाओं को किसी के साथ सोना पड़ता है, वहीं पुरुषों के लिए उन्होंने कहा कि उन्हें सरकारी नौकरी पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। अब इस बात पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रियांक खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो कांग्रेस के शासन के दौरान केंद्र और राज्य में हो रहा था। उन्होंने भारत की महिलाओं के बारे में जो कहा वो उन महिलाओं और लड़कियों का अपमान है जो आज हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। उन्हें देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। Whatever he has said that was happening during the Congress party, at the center also and the state also, and the corruption and such type of things what he has talked yesterday about the woman, total woman society of the India, that's the insult to the woman and our dynamic girls who are performing well in all fields today. देश भर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच पर्वतीय प्रशिक्षित सीमा रक्षक केंद्रीय सशस्त्र बल यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में सीमाओं, उसके केंद्रों और तैनाती के पार हर घर तिरंगा अभियान के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बता दें कि ITBP भारत चीन सीमा पर ऊंचाई पर स्थित अपनी सीमा चौकियों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है और साथ ही सीमावर्ती आबादी के बीच अभियान को बढ़ावा दे रहा है।
आईटीबीपी के जवान जोश और जज्बे के साथ हर घर तिरंगा अभियान को पूरा कर रहे हैं। इसी बीच आईटीबीपी के जवानों ने 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ धाम में तिरंगा फहराया। इस दौरान धाम में मौजूद श्रद्धालु भी देशभक्ति से सराबोर नजर आए और जवानों के साथ तिरंगा लहराते हुए नजर आए। इस दौरान पूरा धाम भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से गूंज उठा। इस दौरान आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगे के साथ बाइकों पर सवार होकर रैली निकाली। भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे तीर्थयात्रियों ने भी तिरंगा रैली में भाग लिया। वहीं आज राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास से हर घर तिरंगा अभियान को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। इस दौरान काफी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद रहे। सीएम के झंडी दिखाते ही बच्चों ने रैली निकाली। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश के बांदा में हुए नाव हादसे में 40 घंटे से ऊपर बीत जाने के बाद भी सभी यात्रियों की खबर नहीं मिल सकी है, लेकिन मरने वालों की संख्या में इजाफा जरूर हो रहा है। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 11 पहुंच गया है। आज 8 लोगों के शव बरामद हुए, जिनमें 5 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। इससे पहले शुक्रवार को 3 लोगों के शव बरामद हुए थे। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की शवों की पहचान की प्रक्रिया और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। बता दें कि फतेहपुर से मरका गांव जा रही एक नाव 11 अगस्त को यमुना नदी में पलट गई थी। माना जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा विरोध के बीच सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की आधिकारिक रीमेक लाल सिंह चड्ढा को शुरुआत से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच हिंदू कार्यकर्ताओं के एक समूह ने लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, बाद में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसी के साथ देश और दुनिया की इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला भी जारी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।